स्टूडेंट्स, वी आर ऑन द टॉपिक बॉडी मूवमेंट. सो वी ऑलरेडी हैव स्टडीड अबाउट द स्केलेटल सिस्टम. नाउ वी स्टडी द जॉइंट ऑफ द बॉडी. सो व्हाट इज द जॉइंट ऑफ द बॉडी? ओके, आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स. हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो बिल्कुल कठोर और मजबूत हड्डियों का बना हुआ है. बोन्स कैन नॉट बी बेंड, हड्डियाँ मुड़ नहीं सकती हैं. वी कैन नॉट बी बेंड आवर बॉडी पार्ट ओनली एट दोज प्लेसेस. हम अपने बॉडी पार्ट्स को सिर्फ उन्हीं जगहों से मोड़ सकते हैं वेयर टू बोन्स जॉइन टुगेदर, जहाँ पे दो हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ती हैं. सच प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स, और ऐसी जगहों को हम लोग जॉइंट्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल में वी कैन बेंड आवर आर्म्स एट द एल्बो. हम लोग एल्बो से, ये देखिए एल्बो है, इसको बोलते हैं एल्बो. दिस इज, यहाँ से हम लोग अपने आर्म्स को मोड़ सकते हैं बिकॉज द बोन ऑफ अपर आर्म एंड लोअर आर्म फॉर्म अ जॉइंट एट एल्बो. क्यों? बिकॉज अपर आर्म और लोअर आर्म यहाँ पे एक जॉइंट के जरिए जुड़े होते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से एक एक्टिविटी करके दिखाया है जिसमें आप अपने आर्म्स को मोड़ के देख सकते हैं कि वो एल्बो पे मुड़ते हैं. ओके, और नाउ द प्लेस वेयर टू बोन मीट इन स्केलेटन इज कॉल्ड जॉइंट. तो इस तरह से ये डिसाइड हुआ, एक डेफिनेशन बनी कि वो स्थान जहाँ पर दो बोन्स एक दूसरे से मिलती हैं स्केलेटन में, उसी को हम लोग जॉइंट बोलते हैं. सेवरल टाइप ऑफ जॉइंट्स अकर इन ह्यूमन स्केलेटन, और जो मनुष्य का स्केलेटन होता है उसमें कई तरह के जॉइंट्स होते हैं. और ज़्यादातर जॉइंट्स क्या होते हैं, अलाउ द बोन टू मूव, वो हड्डियों को मूव करने में मदद करते हैं. ओके, और क्या होता है, जॉइंट्स ऑफ द बोन हेल्प इन बॉडी मूवमेंट. जितने भी जॉइंट्स हैं वो बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं. वी कैन मूव आवर हेड, आर्म, हैंड, लेग्स एंड फीट बिकॉज ऑल दीज पार्ट्स हैव बोन जॉइंट. हम अपने हेड, सिर को, आर्म, भुजाओं को, हैंड, हाथों को, पैरों को, फीट यानी पंजे को, इसलिए मूव कर सकते हैं क्योंकि उन बोन्स में जॉइंट होता है, जोड़ होता है. ओके, इफ इन द फ्रीली मूवेबल जॉइंट, अब जो जॉइंट आसानी से मूव कर सकते हैं लाइक एल्बो, नी, शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स, एट द एंड ऑफ द बोन्स फॉर्मिंग अ जॉइंट आर हेल्ड इन अ प्लेस बाई स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट. है ना, तो वहाँ जॉइंट के लास्ट में क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बहुत ही मजबूत होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिगामेंट. तो लिगामेंट क्या करता है, कनेक्ट द बोन फॉर्मिंग द जॉइंट एंड प्रिवेंट द बोन फॉर फॉलिंग अपार्ट ड्यूरिंग मूवमेंट. लिगामेंट का क्या कार्य है कि हड्डियों को जोड़ता है, है ना, कहाँ पे, जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, और प्रिवेंट और रोकता है कि हड्डियाँ एक दूसरे से अलग ना हो जाएं. लिगामेंट्स आर however elastic and so they can stretch to let the bone move at the joint easily. अब ligament की खासियत क्या है कि ये elastic होती है, यानी rubber band की तरह elasticity होती है इसके अंदर, ताकि वो फैल सकती हैं और bones को move करने में सहायता प्रदान करती हैं. The end of the bone at joints are covered with a soft and smooth layer of cartilage. और जो joints के एंड होते हैं, द एंड ऑफ द बोन, जो हड्डियों का किनारा होता है जिसको कह सकते हैं, और वो जहाँ पे जुड़ती हैं वो किनारे, वो हमेशा सॉफ्ट और चिकनी लेयर के जरिए जुड़े रहते हैं. उसके ऊपर एक सॉफ्ट और चिकनी लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज. ओके, अभी क्या होता है, कार्टिलेज अलाउ द एंड्स ऑफ बोन टू मूव ओवर ईच अदर स्मूथली विदाउट फ्रिक्शन. और कार्टिलेज की वजह से ये बोन्स एक दूसरे के ऊपर बिना किसी घर्षण के मूव कर लेती हैं.
This prevents damage of the end of the bone due to wear and tear caused by rubbing over each other. और इसकी वजह से जो हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर खींचती हैं उससे उनको डैमेज होने से बचाती हैं. देयर इज ऑल्सो थिक ऑयली लिक्विड बिटवीन द एंड ऑफ द बोन ऑफ द फ्रीली मूविंग ज्वाइंट. और क्या होता है जो बोन्स का एंड होता है हड्डियों के जहाँ पे ज्वाइंट होता है यानी बोन का आखिरी चौड़ाई इसके दोनों किनारे होते हैं उन ज्वाइंट्स में एक तरह का लिक्विड भी पाया जाता है जो कि लुब्रिकेंट का कार्य करता है कार्टिलेज के ऊपर. ओके, ताकि फ्रिक्शन कम लगे, घर्षण कम लगे. नाउ टाइप ऑफ जॉइंट्स. अब जॉइंट कितने तरह के होते हैं? तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ जॉइंट्स. देयर आर मेनली फोर: हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट, फिक्स जॉइंट. तो पहले हम लोग हिंज जॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे. हिंज जॉइंट, आपने डोर देखा होगा. अ डोर इज सेट टू हैव हिंज जॉइंट. दरवाजे देखेंगे, दरवाजे के पल्ले जो है आप बाहर भीतर करते हैं तो उसे कब्जे के जरिए जोड़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हिंज जॉइंट. वी हैव सम बोन जॉइंट विच मूव लाइक अ डोर इन इट्स हिंज. इसी तरह से हमारी हड्डियों में भी कुछ ऐसे जॉइंट होते हैं जो दरवाजे की तरह ही काम करते हैं, कि मतलब जैसे दरवाजा अंदर बाहर आता है और फिर बंद हो जाता है, सेम है उसी तरह हिंज की तरह काम करते हैं. दे आर कॉल्ड हिंज जॉइंट और उसी को हम लोग हिंज जॉइंट कहते हैं. हिंज जॉइंट में क्या होता है? अलाउ द मूवमेंट ऑफ बोन ओनली वन डायरेक्शन. अब हिंज जॉइंट में जो बोन्स होती हैं एक ही दिशा में घूमती हैं. जैसे दरवाजा आपका जो है, डोर जो होता है आपका, क्या होता है, सिर्फ बंद होता है और वन साइड में खुलता है, ये नहीं कि दोनों साइड में चला गया. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे की तरफ और पीछे की तरफ. इन अ हिंज जॉइंट द मूवमेंट ऑफ द बोन इज रिस्ट्रिक्टेड इन वन डायरेक्शन. हिंज जॉइंट में क्या होता है, तो बोन्स का मूवमेंट होता है एक ही दिशा में होता है. और इस तरह की जॉइंट्स जो होती हैं आपकी एल्बो में होती है, नी में होती है, नकल्स में होती है, फिंगर जॉइंट्स ये जो होती हैं, देखिए हिंज जॉइंट ये भी है ना, एंड जॉ आर हिंज जॉइंट, आपके जबड़े में हिंज जॉइंट हैं. तो अभी क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एल्बो के बारे में बता रहे हैं. देखिए इसमें हिंज जॉइंट है, किस तरह से लगा हुआ है, ये कप है, ये नॉब है, ये आपका एल्बो फॉर्म कर रहा है. अब क्या होता है कि इस हैंड को आप मोड़ कर ऊपर की तरफ ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही ऊपर की तरफ आते हैं ये जो लिगामेंट्स होते हैं इससे आके अटैच हो जाते हैं और इसके आगे आपका हैंड सीधा हो जाएगा पर मुड़ेगा नहीं. मुड़ेगा किधर? जब हम हैंड्स को आप इनसाइड की तरफ बेंड करेंगे. बिकॉज आवर एल्बो इज अ हिंज जॉइंट, है ना, तो इस तरह से एल्बो जो होता है हमारा हिंज जॉइंट है और इसीलिए एक ही डायरेक्शन में बेंड करता है. अदर वन इज द नी जॉइंट इज अ हिंज जॉइंट. ये जो आपके घुटने वाला जॉइंट है ये भी हिंज जॉइंट होता है. इसमें भी आप देखिए ये आपका नॉब है, यहाँ पे ये देखिए हिंज जॉइंट, इसी को जॉइंट को बोल रहे हैं. ये लिगामेंट्स हैं आपकी लगी हुई हैं, है ना, ये लोअर बोन की ये कफ है, ये नॉब है और ये जो है आपका कफ इसके अंदर मूव करता है. आपके लेग इस तरफ यहाँ तक मूव कर सकते हैं, बस इधर इतनी मूव करेंगे तो ये भी वन डायरेक्शन में मूव करता है. दैट्स